अगर आपने क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम से पास किया और आप सोच रहे हैं कि क्लास 12 के बाद क्या किया जाए, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 8 बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई की है और दोस्तों अगर आप सीए बनना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि क्लास 12 के बाद आप दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर लीजिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 से 5 साल होती है। अगर आप सीए का कोर्स कर लेते हैं, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से सीए की कोर्स करते हैं, तो दोस्तों आपका करियर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। इसमें आगे जाकर बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है और आपने क्लास 12th में कॉमर्स लिया था, तो दोस्तों क्लास 12th के बाद आप बीबीए एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, यह कि इंटीग्रेटेड कोर्स है और इसमें आपको 5 साल का समय लगेगा। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसे करके आप अपना नाम लॉ के फील्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह में इंटरेस्ट है लेकिन आपने कॉमर्स लिया था, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स भी आपके लिए 3 साल का हो। अगर आप बीसीए कर लेते फिर एमसीए कर लेते, उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, आईटी इंडस्ट्रीज में दोस्तों आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं क्लास 12 के बाद, तो आप चाहे तो बीकॉम का भी कोर्स कर सकते हैं। बीकॉम कर लेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि मैंने जितने भी कोर्सेज बताए और जो भी बताऊंगा उनमें से कोई भी अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। बीबीए इन द सेंस कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्स भी आपके लिए 3 साल का होगा। इसके अलावा बीएमएस का कोर्स कर सकते हैं। बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स आपके लिए 3 साल का होगा। आपको ये सब कोर्स नहीं करना, आपको कोई अलग कोर्स करना है जिसमें आपको करियर और अच्छी हो सके, तो दोस्तों आप बीईएम का कोर्स कर सकते हैं। बीईएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों ये कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है 3 से 4 साल होती है। इसके अलावा जो एक और कोर्स है बीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। दोस्तों इतने सारे कोर्सेज, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बीए का भी कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कॉमर्स से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट बीए का कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको बीए का कोर्स करना है तो बीए का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के कोर्सेज होते हैं। आप एनिमेशन से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको जर्नलिज्म के फील्ड में जानना है तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके के कोर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये कोर्स का चयन करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो आप वहाँ से जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।